नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे खड़े हैं काफ़ी सारे हीरो बाइक्स, क्योंकि मैं आज आया हूँ यूनियन बाइक्स हीरो के गोडाउन में। और वीडियो का थंबनेल देख के जैसा कि आप सभी जान ही चुके हैं कि आज मैं रिव्यू करने वाला आप लोगों के लिए ग्लैमर एक्सटेक न्यू मेटालिक ब्लू कलर का। अगर आप वेबसाइट में जाकर चेक करोगे तो अभी तो वहाँ पर भी शो नहीं किया गया है और हमारे जमशेदपुर ये बाइक आ चुका है। तो आइए जल्दी से इस बाइक का एक कलर वॉक अराउंड करते हैं और साथ ही जानते हैं इस बाइक के सभी फीचर्स के बारे में। दोस्तों, आप सभी भी ग्लैमर एक्सटेक के इस न्यू मेटालिक ब्लू कलर को देख चुके हैं, तो आपको ये कलर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए अब हम जानते हैं ग्लैमर एक्सटेक के सभी फीचर्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बाइक के फ्रंट हेडलैम्प से। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इस बाइक का हेडलैम्प आपको काफी एग्रेसिव लुक के साथ मिलता है, जिसमें आपको एच के शेप में एलईडी डीआरएल के साथ फुली एलईडी हेडलैम्प मिलता है। साथ ही आपको पियानो ब्लैक फिनिश में इस बाइक में मीटर वाइजर के साथ इसके सेंटर में हीरो का एच 3D एम्बलम में लगा हुआ नजर आएगा और ये कंप्लीट हेडलैम्प आपको देखने में काफी एग्रेसिव और काफी खास सा नजर आता है। साथ ही बाइक के फ्रंट सस्पेंशन में आपको 30mm डायर का टेलीस्कोपिक फोर्क के साथ इसके फ्रंट में बॉडी कलर में आपको काफी स्पोर्टी सा फ्रंट मडगार्ड नजर आएगा। साथ ही बाइक में आपको काफी यूनिक डिजाइन का स्पोर्टी सा दिखने वाला 18-inch का अलॉय व्हील मिलता है और इसमें आपको रिम टेप भी लगा हुआ मिल जाता है, जिसमें ग्लैमर लिखा हुआ नजर आएगा। और इसके फ्रंट में आपको 80x100 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर और इसके फ्रंट ब्रेक में IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ फ्रंट में 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। अगर आप डिस्क पैरेंट लेंगे तो इसमें आपको 240mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा। साथ ही इस बाइक में आपको फुली डिजिटल कंसोल के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और इस बाइक में आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, जिसमें आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करके बस की ऑन करेंगे तो ये आपके फ़ोन को चार्ज करना चालू कर देता है। और ग्लैमर में जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस बाइक में आपको काफ़ी मस्कुलर सा दिखने वाला 10 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है और इसके टैंक कॉल के ऊपर आपको ग्लैमर क्रोम फिनिश में 3D एम्बलम में मिलता है और इसके नीचे एक्सटेक स्टिकर में लिखा गया है और टैंक कॉल के नीचे की तरफ में आपको छोटा सा एक ग्राफिक भी लगा हुआ नजर आएगा। और बाइक में पहले की तरह ही आपको काफी लार्ज एंड कंफर्टेबल सीट मिलता है और पिलियन राइडर के लिए इसमें आपको ब्लैक पेंट में काफी मजबूत कास्ट आयरन का ग्रैब बार मिलता है। बाइक का टेल लाइट पैनल आपको काफी शार्प और स्पोर्टी लुक के साथ मिलता है, जिसके साथ इसके टेल लैम्प में आपको नॉर्मल बल्ब और इसके टर्न सिग्नल लैम्प में भी आपको नॉर्मल बल्ब मिलता है। साथ ही इसके रियर सस्पेंशन में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलता है, जिसके साथ इसके रियर में आपको 18-inch के अलॉय व्हील में 100x80 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर और रियर ब्रेक में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। और इस बाइक के एग्जॉस्ट के ऊपर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर के पेंट में मेटल का मफलर कवर भी लगा हुआ मिलता है। और बाइक में आपको प्लास्टिक मटेरियल का फुल कवर्ड चेन कवर के साथ इस बाइक में आपको साड़ी गार्ड कंपनी फिटेड लगा हुआ मिल जाता है। और आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस बाइक में आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच भी मिलता है और ब्लैक फिनिश में काफी स्पोर्टी सा दिखने वाला रियर व्यू मिरर मिलता है। तो आइए अब हम जानते हैं इस बाइक के कंसोल और हैंडल बार में लगे स्विचेस के बारे में। लेफ्ट साइड के हैंडल बार में हॉर्न, टर्न सिग्नल इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम स्विच और पास स्विच मिलता है। और इसके कंसोल में जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इसमें आपको फुली डिजिटल कंसोल के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है। डिस्प्ले में सबसे ऊपर में आप RPM, उसके ठीक नीचे गियर इंडिकेटर और उसके बगल में काफी बड़े से फॉन्ट में आप किलोमीटर पर आवर देख पाएंगे। उसके बगल में सर्विस रिमाइंडर और उसके ठीक बगल में आप फ्यूल गेज देख पाएंगे और गियर इंडिकेटर के ठीक नीचे टाइम और उसके बगल में आप ऑडोमीटर देख पाएंगे। और डिस्प्ले के राइट साइड में आप ट्रिप 1 के साथ एवरेज किलोमीटर पर आवर देख पाएंगे और मोड बटन को प्रेस करके आप वहीं पर ट्रिप 2 एवरेज किलोमीटर पर आवर देख पाएंगे। और अपने फोन में हीरो राइड गाइड ऐप को डाउनलोड करके इसमें ब्लूटूथ से पेयर करने के बाद आप इस डिस्प्ले में नेविगेशन देख पाएंगे और इसी जगह में आप एवरेज किलोमीटर पर लीटर के साथ इस बाइक का इको मोड भी देख पाएंगे। और डिस्प्ले के ऊपर में काफी सारे इंडिकेटर्स हैं, जिसमें आप साइड स्टैंड इंडिकेटर, टर्न सिग्नल इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, आई3एस इंडिकेटर के साथ मल्टी फंक्शन इंडिकेटर भी देख पाएंगे।
और राइट साइड के हैंडल बार में सेल्फ के साथ हीरो का अपना i3s ऑन ऑफ स्विच भी मिलता है। और अब हम दोस्तों जानते हैं ग्लैमर एक्सट्रा एडिशन के सबसे खास चीज इस बाइक के इंजन के बारे में। इस बाइक के इंजन में आपको 124.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 10.7 bhp का पावर के साथ इस बाइक में आपको 10.6 nm का टॉर्क मिलता है। साथ ही बाइक में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑटो सेल टेक्नोलॉजी और इसके फ्यूल सप्लाई सिस्टम में फ्यूल इंजेक्शन और बाइक की स्टार्टिंग में आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों ही मिलता है। अगर आप दोस्तों इस बाइक का टेस्ट राइड लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बाइक में जो आपको 125 सीसी का जो इंजन मिलता है, इससे आपको इस बाइक में बहुत ही जबरदस्त पिकअप मिल पाता है। और राइड करते वक्त आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड काफी अच्छा लगेगा सुनने में, और बाइक का क्लच और गियर लीवर को काफी सॉफ्ट रखा गया है। अगर आप इस बाइक को टेस्ट राइड लेंगे तो आपको भी पता चल पाएगा। इस बाइक को हाई स्पीड में राइड करते वक्त मैंने देखा कि इस बाइक में आपको काफी अच्छा रोड ग्रिप और ये बाइक आपके काफी कंट्रोल में रहता है। इस बाइक का सीट मुझे काफी कंफर्टेबल लगा और साथ ही इस बाइक का सीटिंग पोस्चर भी काफी अच्छा है। अगर आप डेली 70-80 किलोमीटर राइड करते हैं और आपको 125 सीसी बाइक लेना है तो आपके लिए ग्लैमर काफी बेहतर रहेगा। और एक बात जो आपको बताना चाहूंगा कि ग्लैमर के बॉडी स्ट्रक्चर को बहुत ही मजबूत बनाया गया है। अगर आपका वेट 90-95 kg भी है और आप अपने लिए कोई एक 125 सीसी बाइक लेना चाहते हैं तो ग्लैमर ही आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा। बाइक के फ्रंट और रियर सस्पेंशन को काफी अच्छा रखा गया है और मैं जिस बाइक को राइड कर रहा हूँ इसके फ्रंट और रियर दोनों में 130 mm का ड्रम ब्रेक है, मगर इसमें IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, जो इस बाइक में काफी अच्छी तरह काम करता है। अगर आपको अपने डेली यूज के लिए और अपने फैमिली के लिए एक 125 सीसी बाइक लेना चाहते हैं तो ग्लैमर आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख चुके हो कि इस बाइक में आपको काफी लार्ज एंड कंफर्टेबल सीट मिलता है। तो अगर आप जमशेदपुर या इसके आसपास और इस बाइक का टेस्ट राइड या फिर इसे बुक कराना चाहते हैं अपने लिए, तो आपको आना होगा यूनियन बाइक शीरो में। इनका शोरूम का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। साथ ही अगर आप ग्लैमर एक्सट्रा एडिशन इस मेटालिक ब्लू कलर के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी इस बाइक के प्राइस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि हो सकता है इस बाइक के मेटालिक ब्लू कलर के वजह से इस बाइक के प्राइस में कुछ फर्क पड़ सकता है। तो प्राइस के बारे में जैसे ही पता चलेगा दोस्तों, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस मैं डाल दूंगा। और इस वीडियो के अंत में आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आपको ग्लैमर एक्सट्रैक न्यू मेटालिक ब्लू कलर कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ ही मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के और नए वीडियो आप तक पहुँच सकें।